एन बार। तीसरा टाइप था इसका आर बार डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बार डॉट बी क्रॉस सी, ये तीसरा टाइप था इसका, ठीक है। आर बार डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बार डॉट बी क्रॉस सी। और फोर्थ टाइप था, अच्छा थर्ड टाइप का स्टेटमेंट क्या था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी बार एंड सी बार, ठीक। और फोर्थ था आर बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी, ये फोर्थ वाला था। आर बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी, क्या था ये, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये चार टाइप थे, ये याद है, बताओ थोड़ा याद है इतना सर। yes, मेरे को लगता है कि चार टाइप्स अच्छे से आते हैं, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम लोग आराम से कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ा था हमने, ये सब वेक्टर इक्वेशन लिखा है मैंने। अच्छा जो टाइप थ्री था ना, टाइप थ्री ऐसे भी आता है स्केलर फॉर्म, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार, ये जो है आपका ये टाइप थ्री का स्केलर फॉर्म है, क्या है, स्केलर फॉर्म, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार, ठीक है। आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार, ये क्या है, टाइप थ्री का स्केलर फॉर्म। तो अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा ना, स्केलर फॉर्म में, तो आप उसको टाइप थ्री में कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट पैरामीटर के साथ जो वेक्टर रहेगा वो बी बार होगा, सेकंड पैरामीटर के साथ जो वेक्टर रहेगा वो सी बार होगा, और जो अकेला रहेगा वो ए बार। फ्रॉम दिस वी कैन इजीली गेट ए बी एंड सी, ए बी एंड सी निकाल कर फिर से क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग टाइप थ्री का फॉर्मुला यूज कर सकते हैं। बोलो याद है अच्छे से, इतने सम्स मैंने कराए थे, ठीक है। अपने कितने सम्स हुए मुझे बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितने सम्स हुए 6.3 का, 6.3 का कहां तक हुआ था हमारा सॉल्व करके, कितने फर्स्ट 5 सम हुए, 5 तक हुआ था। अच्छा फर्स्ट 5 सम तक हो गया था, आगे के सम्स बहुत आराम से सिखाऊंगा, ध्यान देना, ठीक है, बहुत आराम से सिखाऊंगा, क्योंकि आज सम्स कम है हमारे पास, देखते हैं, और डिनर डे का लेक्चर है, सो लेट्स मूव टू द 5th सम, सॉरी 6th सम, ध्यान देते हैं। Find the Cartesian equation of the plane passing through point A bar, the direction ratios of whose normal are 0 to pi. तो हमारा जो प्लेन है वो पास हो रहा है पॉइंट ए से, पॉइंट ए कितना दिया आपको, -1, 2, 3, आपको पता है इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं x1, y1, z1, ठीक है, x1, y1, z1, और ये जो है इसका नॉर्मल क्या है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर क्या है, डायरेक्शन रेशियो 0 to 5, डायरेक्शन रेशियो दिया है 0 to 5, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो को हम लोग एबीसी बोलते पढ़ा देगा आपने, तो ए का वैल्यू होगा 0, बी का वैल्यू होगा 2 और सी का वैल्यू होगा 5। पॉइंट भी है, डायरेक्शन रेशियो भी है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो से आप नॉर्मल वेक्टर बना सकते हो ना, और पॉइंट आपने क्या बना दिया, पॉइंट आपने वेक्टर बना दिया, तो पॉइंट क्या रहेगा, इससे हम लोग पॉइंट बना लेते हैं, तो ए बार कितना आएगा, ए बार हो जाएगा मेरा -i कैप, समझा नहीं तो प्लीज बताना, ए बार कितना आएगा -i कैप, ये कितना आएगा +2j कैप और प्लस कितना आएगा 3k कैप। तो जो पॉइंट होता है वो ए बार बनता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या देगा आपको, नॉर्मल वेक्टर देगा, तो एन बार कितना आएगा, एन बार का डायरेक्शन रेशियो कितना है 0 to 5, कितना आएगा ये 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ए बार एन बार आ गया। अब पहले इसका वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं, द वेक्टर इक्वेशन, इस आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है,
मैं आपको इजी करके दे रहा हूँ कि आपको फिर एक एक्स्ट्रा फॉर्मुला पढ़ना पड़ेगा कार्टेशियन इक्वेशन, नहीं पढ़ना है तो ये फॉर्मुला पे आ जाओ। वेक्टर इक्वेशन इसका फॉर्मूला है आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। क्लियर, अच्छे से समझ में आया? आर बार कितना मिला विद योर नोन नो, आर बार ऐसा रहेगा, एन बार कितना है जीरो आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए बार। ए बार कितना है मेरे पास माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, जो क्या ए बार डॉट एन बार। एन बार कितना आया फिर से जीरो आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप। क्लियर है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको आर बार डॉट, गाइस आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या करना होगा आपको आर बार को वेरिएबल वेक्टर से रिप्लेस करना होगा। तो आर बार कितना आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हो गया आर बार। आर बार डॉट जीरो आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप इज इक्वल टू माइनस वन इंटू जीरो इज जीरो, टू इंटू टू इज फोर, थ्री फाइव आर फिफ्टीन, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स भी पढ़ा देगा आपने। ए वन ए टू माइनस वन इंटू जीरो इज जीरो, टू इंटू टू इज फोर, थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन, कितना देगा ये एक्स इंटू जीरो इज जीरो, वाई इंटू टू इज टू वाई, जेड इंटू फाइव इज फाइव जेड, विच इज इक्वल टू नाइनटीन। थोड़ी सा कार्टेशियन इक्वेशन फाइनली वी गॉट टू वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू नाइनटीन, सीधा लिख सकते हैं हम लास्ट में, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। सिंपल था, वेक्टर इक्वेशन निकाला, वेक्टर इक्वेशन का हमने कार्टेशियन इक्वेशन बना दिया, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट दिया था, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल दिया था, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो का नॉर्मल वेक्टर बना दिया, पॉइंट से ए बार, नॉर्मल से एन बार, ए बार डॉट एन बार का फॉर्मुला यूज किया टाइप टू, द वेक्टर इक्वेशन इज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। वंस यू गेट टाइप टू यू हैव टू गेट द कार्टेशियन फॉर्म, तो आर बार को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के में कन्वर्ट किया, सो टू वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू नाइनटीन इज द आंसर वी गॉट। कंफर्म करो समझ में आया क्या, एवरीवन अंडरस्टूड? यस यस यस, सबको समझा एवरीवन? द आंसर इज टू वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू नाइनटीन, ठीक है। तो हमेशा आपको इसमें ना डायरेक्ट फॉर्मुला भी पढ़ सकते थे आप, इसका शॉर्टकट फॉर्मुला था a ब्रैकेट x माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो, कार्टेशियन फॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मुला है। बट मैं आपको पता नहीं क्या फॉर्मुला पढ़ो क्योंकि और ज्यादा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो बेटर की वेक्टर इक्वेशन पढ़ लिया, वेक्टर इक्वेशन से आप कार्टेशियन इक्वेशन बना दो। तो अगर आपको प्लेन चैप्टर में वेक्टर इक्वेशन अच्छे से आता है तो कार्टेशियन इक्वेशन बनाने में कुछ करना ही नहीं होता है। आर बार को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखना है, डॉट प्रोडक्ट लगाना है और सॉल्व करना है। द आंसर वी गॉट इज 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 19, 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 19। होप कि क्लियर है सबको, समझ में आया शो, एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं, हटाओ ना इसको, नेक्स्ट सम पे आते हैं। सम नंबर सेवन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए सेवन एट सिक्स एंड पैरेलल टू एक्स वाई एक्स वाई प्लेन। फिर यहाँ पे मैं फॉर्मुला लिखा देता हूँ आपको, एक समय मैंने वेक्टर इक्वेशन से करा है, इस समय चाहता हूँ मैं फॉर्मुला से करा दू। हाँ, तो ये फॉर्मुला पढ़ना आपको अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point x1, y1, z1 na, passing through point kya mera x1, y1, z1, passing through point x1, y1, z1 with direction ratios of normal, with direction ratios of normal a comma b comma c is, इसका फॉर्मूला क्या है? The Cartesian equation of the plane passing through point x1 y1 z1
with direction ratio a comma b comma c is, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको अभी पीछे, a times of x minus x1 plus b times of y minus y1 plus c times of z minus z1 which is equal to zero. a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equal to zero. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पड़ा, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 विद डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल abc इज a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equal to zero. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. अब जो हमारा प्लेन है किसको पैरेलल है, क्वेश्चन में बोला है द प्लेन इज पैरेलल टू xy प्लेन, द रिक्वायर्ड प्लेन, जो हमारा प्लेन है किसको पैरेलल है, पॉइंट मेरे पास है 786, ये है मेरे पास, मुझे एबीसी चाहिए. द रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू, अपना जो प्लेन है किसको पैरेलल है, इज पैरेलल टू xy प्लेन. अगर अपना प्लेन xy प्लेन को पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर होगा zx को. ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन क्लियरली से दैट इट इज परपेंडिकुलर टू zx. अगर xy प्लेन को परपेंडिकुलर, अगर xy प्लेन को पैरेलल है तो zx को तो परपेंडिकुलर होगा, सिंपल सी बात है. xy को पैरेलल है तो z को परपेंडिकुलर होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू zx. ये चीज समझ में आया सबको? ठीक है, ये आपका xy z, ठीक है ना. तो अगर आपका प्लेन एक्स वाई को पैरेलल है, ये एक्स वाई तो इसके सामने ही है भाई, जेड एक्सिस कौन है इसका, इसका परपेंडिकुलर है ना जेड एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड एक्सिस. अगर आपका कोई प्लेन एक्स वाई को पैरेलल है तो उसको उसको परपेंडिकुलर कौन रहेगा, जेड एक्सिस ही रहेगा ना, तो इट इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस. क्लियरली बोल सकता हूं मैं, इट इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस. ठीक है, तो अगर जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जेड एक्सिस का काम करेगा, जेड एक्सिस काम करेगा नॉर्मल का, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का दूसरा नाम परपेंडिकुलर होता है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट z-axis is normal to the plane. z-axis is what? z-axis is normal to the plane. z-axis करेगा मेरा normal to the plane. And therefore we can say that z-axis has direction ratio. z-axis has direction ratio. क्या रहेगा z-axis का direction ratio? x-axis का 1 comma 0 comma 0 होता है. y-axis का 0 1 0. तो z-axis का क्या रहेगा? 0 0 1. तो आपको पॉइंट भी मिल चुका है और आपको डायरेक्शन रेशियो भी मिल चुका है. पॉइंट क्या आपके पास 786 और डायरेक्शन रेशियो क्या आपके पास 001. हाँ, क्लियरली लिख सकता हूं यहाँ पे, द प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट, द प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट, पॉइंट क्या मेरे पास यहाँ पे, पॉइंट है मेरे पास 7, 8, 6. देन सब कुछ रेडी है, आ जाओ कार्टेशियन इक्वेशन में सीधा. The Cartesian equation is, the Cartesian equation is क्या formula, a times of x minus x1 plus b times of y minus y1 plus c times of z minus z1 which is equal to zero. Clear है, आ जाओ, a का value कितना है, a का value zero है, तो पूरा zero हो जाएगा, b का value zero है, पूरा zero हो जाएगा, c का value कितना है 1, और z minus z1 कितना आएगा, z माइनस जेड वन कितना है 6 विच इज इक्वल टू 0. तो फाइनली मेरा आंसर कितना आएगा, जेड माइनस 6 इज इक्वल टू 0. देख लो समझ में आया, और जेड इक्वल टू 6 बोल सकते हो. क्लियर है, सबको समझा? यस. ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 विद डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल abc इज a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equal to 0. अब हमारा प्लेन जो है वो xy प्लेन को पैरेलल, xy प्लेन को पैरेलल है, तो जो प्लेन xy को पैरेलल रहेगा वो zx को परपेंडिकुलर रहेगा. तो जो zx को परपेंडिकुलर है तो zx क्या बन जाएगा, नॉर्मल टू द प्लेन. अब z axis का direction ratio क्या होता है, 001. So the plane passes through point 786 with direction ratio 001. तो फॉर्मूला लगा है तो a 0 है b 0 है, तो पहला टर्म और दूसरा टर्म पूरा गायब हो जाएगा. c कितना आएगा, 6 times of z minus 1 times of z minus 6. तो 1 times of z minus 6 कितना आएगा, z minus 6 equal to 0. Finally we can say that z is equal to 6. क्या बोल सकते हैं, z is equal to 6. We got the equation of plane as z is equal to 6. Understood? आया ना?
अगर आपका प्लेन वाई जेड को पैरेलल होता क्या आता था आंसर? अगर आपका प्लेन वाई जेड को पैरेलल होता तो एक्स माइनस कितना आता? एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो. एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो. वाई जेड को पैरेलल होता तो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होता तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो आता 100. तो 1 इनटू एक्स माइनस सेवन द आंसर इज एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो. ठीक है. अगर आपका प्लेन एक्स जेड को पैरेलल होता तो y माइनस एट इक्वल टू जीरो. एट इक्वल टू जीरो. तो इसका आंसर आएगा y माइनस एट इज इक्वल टू जीरो. एक्स जेड को पैरेलल होगा तो y एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा तो y एक्सिस मेरा नॉर्मल बनेगा. तो y एक्सिस का डायरेक्शन शो क्या है? 010. तो 010 कितना आएगा? पहला जीरो लास्ट जीरो बीच का आएगा y टाइम्स 1 टाइम्स ऑफ y माइनस एट इक्वल जीरो. दैट इज y माइनस एट इक्वल टू जीरो. बोलो क्लियर है? अच्छी थी. तीन क्वेश्चन समझ में आ गए यहाँ से 7th से. डन एवरीवन. यस यस यस. Let us move to the next question after this. इसको हटा रहा हूँ मैं. Next question पे चलते हैं. ठीक है. Take a screenshot of this part. Next question पे आते हैं. समझते हैं समझो. Sum number 8. The foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane is m 100. मान लो कि ये प्लेन है और मान लो कि ये ओरिजिन है. इसका जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है इस प्लेन पे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का रहेगा ये रहेगा. ठीक है. ओरिजिन से मैंने क्या किया? प्लेन पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओरिजिन से प्लेन से कितना है? ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमारा m है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 100. ठीक है. ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना दिया है? m 00. हम लोग इसको ओरिजिन बोल देते हैं वो और इसको m बोल देते हैं. तो m क्या है? m पॉइंट ऑन द प्लेन भी है. m जो है वो प्लेन पे भी लाई करता है और OM जो है वो प्लेन को परपेंडिकुलर भी है. तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट भी है, मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर भी है. परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉर्मल. सो आप यहाँ पे चीज देखोगे अच्छे से तो आपका पॉइंट और आपका नॉर्मल वेक्टर दोनों सेम ही है. पॉइंट भी आपका एम है और नॉर्मल वेक्टर भी आपका OM है. तो जो फॉर्मूला आपका ऐसा होता था आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार. यहाँ पे ए बार पॉइंट होता था, एन बार नॉर्मल वेक्टर होता था. इसका आंसर क्या आएगा? आर बार डॉट नॉर्मल कौन है यहाँ पे? एम बार. पॉइंट कौन है यहाँ पे? एम बार. नॉर्मल वेक्टर कौन है यहाँ पे? एम बार. ये फॉर्मूला हो जाएगा. समझा कि नहीं समझा? कंफर्म करो. समझा. आया ना? पॉइंट भी देखो ना, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हो थोड़ा बहुत आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन अच्छे से याद है तो जो पॉइंट है वो प्लेन पे है. कौन सा पॉइंट है प्लेन पे? एम. और जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी ओएम है. ओएम वेक्टर को हम लोग एम बार बोलते हैं, पता होना चाहिए. तो नॉर्मल वेक्टर भी एम बार होगा और पॉइंट भी एम बार होगा. वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? आर बार डॉट एम बार इज इक्वल टू एम बार डॉट एम बार. ठीक है. आर बार डॉट एम बार इज इक्वल टू एम बार डॉट एम बार. ठीक है. बट इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको. प्लीज आ जाएगा. हमको पता है कि वेक्टर इक्वेशन क्या है यहाँ पर. ठीक है. तो अगर मैं आपकी बात करूं तो एम कौन है यहाँ पे? एम है 100. एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन से दिख के समझ में आ रहा है इसका डायरेक्शन से 100 मतलब x एक्सिस पे लाई करता है. तो m 100 इज द व्हाट? इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन. यही है ना क्वेश्चन में दिया है. क्या बोला है? ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन. ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन m 100 is the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane. So jo plane hai wo kahan se pass ho raha hai? M se pass ho raha hai. Can you say that? The plane is passing through point M. The plane is passing through point M. The plane is passing through M and
is perpendicular to and is perpendicular to OM. प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट हमारा एम है और परपेंडिकुलर किसको है ये ओएम को, परपेंडिकुलर किसको है ये ओएम को परपेंडिकुलर है, तो ओएम को अगर हम लोगों ने एम बार ले लिया, इफ एम बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओएम, इफ एम बार इज द पोजीशन वेक्टर, इफ एम बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओएम, ठीक है ना, अगर एम बार OM का पोजीशन वेक्टर है तो वी कैन से दैट OM वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप, 100 ना गाइस, पॉइंट कितना है M 00 100 है, ठीक है, ये तो हमें ब्रैकेट में दिखा दो, M कितना है 100, तो M बार का पोजीशन वेक्टर कितना बनेगा, M बार कितना बनेगा मेरे पास, M बार बनेगा मेरे पास I cap plus 0 J cap plus 0 K cap, M bar के लिए मैं I cap लिखूं चलेगा, तो मेरे को M bar मिल चुका है, अब वेक्टर इक्वेशन चाहिए इसका, हाँ, also OM क्या है, OM perpendicular है, so OM is equal to N bar, और N bar भी कितना आएगा I cap, क्योंकि OM जो था वो perpendicular to OM है, the plane is passing through M and is perpendicular to OM, तो OM जो रहेगा वो M bar ही रहेगा ना, तो हमारा M bar भी कितना आएगा I cap, मतलब मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट भी वही है और नॉर्मल वेक्टर भी वही है, पॉइंट भी वही है और नॉर्मल वेक्टर भी वही है, तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा चेक करना अच्छे से, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये लास्ट स्टार्टिंग में, द वेक्टर इक्वेशन इसका आएगा फॉर्मूला आर बार डॉट एम बार, नॉर्मल वेक्टर के जगह पे एम बार आएगा विच इज इक्वल टू एम बार डॉट एम बार, क्लियर है, पुट द वैल्यू, so r bar dot i cap is equal to i cap dot i cap, final answer कितना आएगा r bar dot i cap into i cap कितना होता है 1 होता है, the answer is vector equation मांग रहे तो ये आएगा answer, r bar dot i cap is equal to vector equation मांग रहे तो क्या आएगा answer r bar dot i cap is equal to 1, question पढ़ने के बाद सीधा सीधा ये समझ में आ रहा था कि sir point b मेरा same है m bar और normal vector भी same है मेरा n bar, तो r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar क्या बन जाएगा, r bar dot m bar is equal to m bar dot m bar, तो m bar कितना मेरा 100, तो 100 का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा i cap, तो m bar i cap बन गया, सॉल्व किया r bar into i cap is equal to i cap into i cap, what is i cap into i cap, dot product of two unit vectors is always 1, बोलो क्लियर है ये सब समझा सबको, yes or no, confirm, yes yes sir, तो यहाँ पे पॉइंट वेक्टर भी सेम था और यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर भी सेम था, इसलिए ये वाला फॉर्मूला बना आर बार डॉट एम बार इज इक्वल टू एम बार डॉट एम बार, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, श्योर समझ में आया सबको, यस यस यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, व्हाटएवर हटा रहे इसको, अच्छा 9th क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं तुमको, सम नंबर 9, ठीक है, find the vector equation of the plane passing through point A bar and parallel to vector B bar and C bar, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सीधा सीधा पता है हम लोग, हम सबको इसका सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म पता है कि क्या टाइप थ्री है ना ये, we all need to know that कि the vector equation of plane, the vector equation of plane passing through, the vector equation of plane passing through A bar, passing through point A bar and parallel to B bar and C bar, ये ना, the vector equation of plane passing through A bar and parallel to B bar and C bar is, that's the formula, the vector equation of plane passing through point A bar and parallel to B bar and C bar is, formula is का R bar dot B cross C bar
is equal to a bar dot b bar cross c bar. ये formula हमारा type 3 standard form सीधा सीधा. ठीक है, अभी question पढ़ोगे तो आपको आराम से दिख रहा है कि a bar कौन है b bar कौन है. यहाँ पे point कितना है, point मेरा a है और एक coordinate कितना दिया है -275. ठीक है, तो मेरा a bar कितना बन जाएगा यहाँ पे, सीधा पॉइंट वेक्टर बना लेता हूं मैं, तो a बार का पोजीशन वेक्टर कितना बनेगा -2i cap + 7j cap + 5k cap. ये हो गया a बार पैरेलल टू b बार एंड c बार. तो b बार भी दिया और c बार भी दिया, तो b बार कितना दिया आपको, b बार दिया है 4i cap - j cap + 3k cap. ये b बार दिया है और c बार कितना दिया है i cap - j cap + k cap. ठीक है, पहले आप क्या करोगे, आप पहले b क्रॉस c निकालोगे, सबको आता है b क्रॉस c निकालने, i cap j cap k cap. b कितना आपके पास 4 - 1 और 3 और c कितना आपके पास 1 - 1 1. ठीक है, b क्रॉस c निकालो और सीधा सीधा यहाँ पे इसका वेक्टर इक्वेशन लिख दो. द वेक्टर इक्वेशन इज क्या फॉर्मूला है इसका, r बार डॉट b क्रॉस c is equal to a bar dot b cross c. Get the answer finally. Solve the answer निकालो, चलो. Give me the final answer. को आता है b cross c सब निकालने. ठीक है. Type 3 of vector equation of plane. The plane passing through point a bar and parallel to b bar and c bar. The plane passing through point a bar and parallel to b bar and c bar. A bar से pass हो रहा है और b bar और c bar से parallel है. निकालो. The vector equation of plane passing through point A bar and parallel to B bar and C bar is R bar dot B cross C is equal to A bar dot B cross C. आया सर. टाइप हमको बता रहेगा तो हम आराम से सम कर सकते हैं. टाइप पता होना चाहिए. एवरीवन हो गया? यस. चेक करते हैं आंसर. ध्यान दो सर, उधर सी बार के जगह 1 1 1 आएगा ना. सी बार के जगह सी कैप दिया है टेस्ट ओपन. 1 - 1 1 आएगा ना. आई माइनस जी प्लस के दिया ना. 1 1 1 आएगा ना सी बार प्लस जे कैप के लिए. नहीं पर क्वेश्चन नहीं हो गया, शायद मैंने क्वेश्चन नाम लिखा. जी आपको क्या दिया है, सी बार कितना दिया है, आई जे के दिया है, मतलब इधर प्लस दिया है. 1 1 1. ठीक है, क्लियर है. सॉल्व करते हैं. कितना आएगा ये, -1 - 3 कितना आएगा, -4i cap. 4 - 3 1 तो इसका -j cap. 4 + 1 कितना 5k cap.
आ गया बी क्रॉस सी आ गया, तो आंसर कितना आएगा? अब यहाँ से ए बार डॉट बी क्रॉस सी निकालते हैं, ए बार डॉट बी क्रॉस सी यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। कितना आएगा आंसर? आर बार डॉट बी क्रॉस सी कितना आएगा? माइनस फोर आई कैप माइनस जे कैप प्लस फाइव के कैप इज इक्वल टू ए बार। ए बार भी है मेरे पास और बी क्रॉस सी भी है मेरे पास। ए बार कितना है मेरे पास? ए बार है माइनस ऑफ टू आई कैप प्लस सेवन जे कैप प्लस फाइव के कैप। ए बार डॉट बी क्रॉस सी, व्हाट इज बी क्रॉस सी? माइनस फोर आई कैप माइनस जे कैप प्लस फाइव के कैप। क्लियर है? अब बस उसको डॉट पर लगा के सॉल्व करना है, कितना आएगा आंसर मेरा? देयरफॉर आर बार डॉट माइनस फोर आई कैप माइनस जे कैप प्लस फाइव के कैप इज इक्वल टू माइनस टू इंटू माइनस फोर इज एट, सेवन इंटू माइनस वन इज माइनस सेवन, फाइव इंटू फाइव इज ट्वेंटी फाइव। फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा? आर बार डॉट माइनस फोर आई माइनस जे प्लस फाइव के बार इज इक्वल टू वन प्लस ट्वेंटी फाइव, कितना आएगा फाइनली? ट्वेंटी सिक्स। तो आंसर आएगा मेरा ट्वेंटी सिक्स। बोलो क्लियर है? अगर आप सम नंबर नाइन्थ को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपका आज के लेक्चर में पढ़ा है मेरे को स्टार्टिंग में आता थे, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, नाइन्थ तो हो गया, टेंथ वाली बात है ना, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, नाइन्थ हमने जस्ट किया ना, टेंथ पे आते हैं, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर बार इज इक्वल टू, आर बार इज इक्वल टू क्या दिया है? फाइव टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप। आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू, कितना दिया है? आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। गाइस अगर इसको अच्छे से देखो तो क्या होगा? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्डा बी बार प्लस म्यू सी बार, ये फॉर्मेट है ना, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्डा बी बार प्लस म्यू सी बार। ठीक है, तो ये क्या था? टाइप थ्री का स्केलर फॉर्म था, ये टाइप थ्री का था, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार एंड पैरेलल टू बी बार एंड सी बार। जो टाइप टू था आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्डा बी बार प्लस सी बार, उसी का ये क्या है? उसी का ये वेक्टर स्केलर फॉर्म है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्डा बी बार प्लस म्यू सी बार, उसी का क्या है ये? उसी का ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, हम लोग को इसका वेक्टर फॉर्म पता है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या है? टाइप थ्री। टाइप थ्री क्या है इसका? आर बार डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बार डॉट बी क्रॉस सी। कंपेयर करेंगे इसको आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्डा बी बार प्लस म्यू सी बार से, तो ए बार बी बार और सी बार तीनों मिलेगा। ए बार बी बार और सी बार अगर तीनों मिल गया तो हम लोग को इसका वेक्टर इक्वेशन पता ही है, आर बार डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बार डॉट बी क्रॉस सी। चलो स्टार्ट करें, ध्यान देना। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में ये? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्डा बी बार प्लस म्यू सी बार, ये फॉर्म में ये। ठीक है, तो कंपेयर किया तो ए बार कितना मिलेगा यहाँ पे गाइस? ए बार मिलेगा फाइव टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस टू टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस थ्री टाइम्स ऑफ के कैप, ये हो गया ए बार। ठीक है, बी बार कितना आएगा इसका? बी बार देख लो अच्छे से कितना दिख रहा है, बी बार दिख रहा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया इसका बी बार। और सी बार कितना दिख रहा है इसका? आई कैप माइनस ऑफ टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। So, A बार B बार C बार तीनों रेडी दिख रहे हैं। ठीक है, A बार B बार और C बार तीनों भी रेडी दिख रहे हैं। क्लियर है? तो हमको पता है कि इसका स्केलर फॉर्म क्या है। हमको क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? क्वेश्चन में मांग रहा है कि इसका कार्टेशियन प्लेन चाहिए ना, तो हमें पहले वेक्टर बनाऊंगा बाद में कार्टेशियन बनाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि वेक्टर फॉर्म क्या है इसका। द वेक्टर फॉर्म इज,
द वेक्टर फॉर्म इज, क्या रहेगा वेक्टर फॉर्म, आर बार डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बार डॉट बी क्रॉस सी, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे बी क्रॉस सी निकालते हैं, तो बी क्रॉस सी कितना आएगा, वी ऑल नो दैट बी क्रॉस सी आएगा आई कैप जे कैप के कैप, तो बी कितना है 1 1 1 और सी कितना है 1 -2 3 आएगा यहाँ से, बी क्रॉस सी निकाल लें, बी क्रॉस सी निकालने आ गया, ये भी आ जाएगा आपको बस। ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसको, आर बार को करा दोगे फाइनली, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इन टू, यहाँ पे जो बी क्रॉस सी आएगा वो विच इज इक्वल टू ए बार, ए बार कितना है मेरे पास फाइव आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप इन टू बी क्रॉस सी, यहाँ पे फिर से बी क्रॉस सी, इस पर जो भी आंसर आएगा तो कार्टेशियन फॉर्म होगा उसमें, गेट द आंसर। चलो आंसर अगर एक्स वाई जेड के टर्म्स में अपीयर हो रहा है तो कार्टेशियन फॉर्म है, आर बार इट फॉर्म में अपीयर हो रहा है तो वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, क्या चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो बी क्रॉस सी निकालेंगे, ए बार दिया है, बी बार दिया है, सी बार दिया है, ये आपका स्केलर फॉर्म है, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार प्लस म्यू सी बार, ये टाइप थ्री का स्केलर फॉर्म है। तो टाइप थ्री का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, आर बार डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बार डॉट बी क्रॉस सी, पैरामीटर्स क्या है मेरे पास, एक पॉइंट से पास हो रहा है और दो वेक्टर्स को पैरेलल है, तो आर बार डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बार डॉट बी क्रॉस सी, ये टाइप थ्री को सेटिस्फाई करता है। तो टाइप थ्री एक बार वेक्टर फॉर्म में आ गया, तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाना है, आर को लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और सॉल्व करेंगे, गेट द आंसर फाइनल। चलो बताओ कितना आएगा, सॉल्व कर अच्छे से इसका आंसर बताओ। Get the answer everyone fast. Solve your अच्छे से answer निकालो। Done sir. आपको आर बार डॉट बी क्रॉस सी कितना आएगा, फाइव आई कैप माइनस टू जे कैप
माइनस डी के कैप इज इक्वल टू ए बार कितना है मेरे पास, ए बार है फाइव आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप, ये हो गया ए बार डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी कितना हो गया मेरे पास फाइव आई कैप अगेन, अरे दोनों सेम आ रहे हैं, यस ए बार और बी बार दोनों सेम आ रहा है, बी क्रॉस की सेम आ रहा है, आएगा आंसर आर बार डॉट फाइव आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप इज इक्वल टू फाइव इंटू फाइव कितना ट्वेंटी फाइव प्लस फोर डायरेक्टली करें हम लोग ट्वेंटी नाइन प्लस फोर थर्टी आएगा ना, क्लियर है थर्टी आया ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग आर एच एस में सिर्फ थर्टी लिख सकते हैं ठीक है, इधर आएगा फाइव आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप ठीक है इज इक्वल टू कितना आएगा थर्टी एट, सॉल्व करो इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहेगा इसका फाइव एक्स माइनस ऑफ टू वाई माइनस ऑफ थ्री जेड इज इक्वल टू थर्टी एट, इसका आंसर किसका रहेगा ये रहेगा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, क्या रहेगा ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, नहीं समझा ये समझा कंफर्म समझा समझा आंसर आया यस यस, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा टॉपिक आपको, कुछ है क्या इस फॉर्म में, अगर अच्छे से देखा तो लॉजिक से भी इजी है ये, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है कंडीशन अप्लाई था, मैंने कुछ लोगों से पूछा था लोगों को ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा था ये, बट मेरे को लगता है कि थोड़ा एफर्ट डालो तो कोशिश करो देखो आना चाहिए शायद, डाउट सॉल्विंग आप क्लासरूम में पूछ ही सकते हो ठीक है, तो स्कोरिंग मार्क्स से गाइज है लाइन एंड प्लेन, आप लोग का छह मार्क का लाइन है छह मार्क का प्लेन है, बारह मार्क का चैप्टर हो जाएगा ये ठीक है, लाइन एंड प्लेन का बात कर रहा हूँ मैं, वेक्टर्स मिला दिया तो वेक्टर्स भी नौ मार्क का है ठीक है, हटा रहा हूँ इसको मैं, इजी स्कोरिंग टॉपिक है आराम से स्कोर कर सकते हो आप, डिलीट होने के बाद क्वेश्चन इजी है, ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत इजी है, क्वेश्चन डिलीट होने के बाद इजी है ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स गायब हो गया, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन गायब हो गया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन गायब हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स गायब हो गया ठीक है, तो हमारा तीन चार टॉपिक डिलीट हो गया ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सम नंबर 11, सम नंबर 11 ध्यान देना आप, find the vector equation of the plane which makes intercept x 1 1 1 on the coordinate axis, guys is sum ko thoda acche samjho, humko wo plane chahiye jo plane hamare x y aur z ko kahan pe cut kar raha hai 1 1 1 pe, ye plane kuch aisa hoga, ye plane kuch aisa hoga theek hai, kya kar raha hai ye, ye aapke x y z ko cut kar raha hai, x ko cut kar raha hai, y को कट कर रहा है और z को कट कर रहा है, तो x को कहां पे कट कर रहा है, x को कट कर रहा है 1 पे, y को कहां पे कट कर रहा है 1 पे, z को कहां पे कट कर रहा है 1 पे, तो अगर x एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है तो पॉइंट कितना आएगा 100, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं कि मैं बाकी सब करा सकूं, y को अगर 1 पे कट कर रहा है तो पॉइंट क्या होगा 100 और z को अगर 1 पे कट कर रहा है तो पॉइंट कितना होगा 001, तो आप लोग बोल सकते हो कि आपका प्लेन जो है वो तीन पॉइंट से पास हो रहा है ए बी सी, अब पॉइंट अगर तीन पॉइंट अगर प्लेन अगर तीन पॉइंट से पास हो रहा है ए बी सी से, तो कैन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बार बी बार एंड सी बार, द फॉर्मुला इज आर बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी, टाइप फोर याद आया, टाइप फोर याद आया, सम समझा क्या कॉन्सेप्ट समझा, आपका जो प्लेन है वो 1 1 1 इंटरसेप्ट बना रहा है 1 1 1, तो एक्स इंटरसेप्ट अगर 1 बना रहा है तो 100, वाई इंटरसेप्ट अगर 1 बना रहा है तो 010, z एक्सिस पे अगर 1 बना रहा है तो 001, तो आपका जो प्लेन है वो तीन इंटरसेप्ट बना रहा है x एक्सिस पे y एक्सिस पे और z एक्सिस पे ठीक है, कैन वी से दैट द प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट, द प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट 1 1 1 ऑन coordinate axis, the plane makes intercept 1 1 1 on coordinate axis, clear hai na, theek hai, therefore you can say that it passes through, therefore we can say that it passes through three non collinear points, it passes through three non collinear points
देयरफॉर इट पासिस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. सबसे पहला पॉइंट रहेगा वन, पहला पॉइंट रहेगा ए 100, दूसरा पॉइंट रहेगा बी 010 एंड तीसरा पॉइंट रहेगा सी 001. Therefore, it passes through three non-collinear points A, B, and C. Therefore, it passes through three non-collinear points A, B, and C. सबको इसका वेक्टर इक्वेशन तो पता ही है. We know the vector equation. So therefore, हमारा पोजीशन वेक्टर कितना आएगा? A bar का कितना आएगा? A bar का हो जाएगा I cap. B bar का कितना हो जाएगा? J cap. और C bar का कितना हो जाएगा? K cap. And we all know the vector equation of this. The vector equation is The vector equation is क्या फॉर्मूला है इसका? R bar dot AB cross AC. R bar dot AB cross AC is equal to A bar dot AB cross AC. ये इसका फॉर्मूला है. R bar dot AB cross AC is equal to A bar dot AB cross AC. तो पहले आपको AB vector बनाना पड़ेगा. AB vector कैसा आएगा? B bar minus A bar. तो B bar minus A bar कितना आएगा? J cap minus I cap. Standardized curve कितना आना चाहिए? माइनस आई कैप प्लस जे कैप. ए बी वेक्टर आ गया. फिर एसी वेक्टर बनाना चाहिए. तो एसी वेक्टर कितना आएगा मेरे पास? सी बार माइनस ए बार. तो सी बार माइनस ए बार कितना आएगा? के कैप माइनस आई कैप. कितना हो जाएगा ये? माइनस आई कैप प्लस के कैप. ए बी आ गया, एसी आ गया. अब क्या निकालोगे अगला? ए बी क्रॉस ए सी. क्रॉस पुट करोगे और ए बी क्रॉस ए सी निकालोगे. तो ए बी क्रॉस ए सी आने के बाद वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है फाइनली. ठीक है, हमको ये समझ गया था कि हमारा जो प्लेन है वो तीन पॉइंट से पास हो रहा है, तीन इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स पे वाई पे जेड पे, मतलब तीन पॉइंट से पास हो रहा है और तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है? ऑब्वियसली नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट इज आर बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी. तो हम लोग ने ए बार लिया, बी बार लिया, सी बार लिया, ए बी वेक्टर बनाया, ए सी वेक्टर बनाया, ए बी क्रॉस ए सी बनाया, हर वो कंपोनेंट फाइंड किया जो हम लोग को प्रूव करना था हमारे वेक्टर इक्वेशन में. Get me the final answer, बताओ कितना आ रहा है? निकालो इसका final answer. आराम से solve करो और finally answer निकालो कितना है. डन सर. क्लियर है? सर वन आया. वन पूरा पूरा इक्वेशन आएगा ना? इक्वेशन आया आर बार डॉट आर प्लस ए कैप प्लस जे कैप इक्वल टू वन. तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं. ए बी क्रॉस ए सी, तो आई कैप जे कैप के कैप. ए बी कितना आएगा मेरा? माइनस वन वन जीरो. और ए सी कितना आएगा मेरा? माइनस वन जीरो वन. ठीक है, सॉल्व किया, कितना मिलेगा ये? वन वन आई कैप, दैट इज आई कैप ओनली. ठीक है, ये कितना आया? माइनस वन प्लस जे कैप आएगा. ये कितना आएगा? माइनस के कैप. नहीं, माइनस ऑफ माइनस वन प्लस प्लस के कैप. तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आएगा. ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी सॉल्व करेंगे यहाँ पे कितना आएगा? आर बार डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू ए बार. ए बार किधर है मेरे पास? ए बार मेरे पास आई कैप है. तो आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. क्या मिलेगा आंसर? आर बार डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू आई इंटू आई वन. ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर. बोलो क्लियर है? यस. अच्छा, आप लोगों में से कोई बताओ, अगर इसको कार्टेशियन इक्वेशन में करना हो तो आंसर कितना आता था? अगर यही कार्टेशियन में चाहिए होता तो आंसर कितना आता था? x plus y plus z equal to 1. समझ में आ गया पक्का? तो x plus y plus z equal to 1. देख लो एक बार, दो मिनट टाइम दे रहा हूँ. पूरा एक्सरसाइज देख के लो. 6.3 कैरेट आउट है, पूछो मुझे.
पूरा अच्छे से 11 के 11 सम्स कवर करके लो। जो डाउट है पूछो, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन दूंगा बोर्ड पे, आपको सॉल्व करना है, ठीक है? ऑल दोस क्वेश्चंस आर ऑफ एमसीक्यूज फॉर्म। फटाफट इसको एक बार 11 सम पूरा देख लो, 2 मिनट टाइम है आपके पास, पूरा 11 सम देख के बताओ क्या क्या डाउट है। अच्छे से देखते रहो पूरा 11 सम। आज हम लोगों ने 6 टू 11 किया, कुछ डाउट नहीं है, क्लियर है इतना? सर थर्ड सम बाकी है। थर्ड सम बाकी है अपना? यस सर। इसलिए दिया था मैंने आपको देखने के लिए। बाकी कुछ डाउट नहीं पक्का? थर्ड सम में डाउट है? यस। आते हैं थर्ड सम पढ़ते हैं। कर्सन कर दें। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था ये, ठीक है? ये बाकी सब क्वेश्चंस कैसे थे? स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, सीधा टाइप पता चल रहा था, फॉर्मूला लगाते जा रहे थे। ये वाले सब में क्या मांगा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अभी प्लेन का ये क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन क्या मांगा है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। मतलब ये ओरिजिन से एक प्लेन का इक्वेशन दिया है, प्लेन का इक्वेशन कितना है? 2x + 6y - 3z = 63। ये मेरा प्लेन है, ठीक है? और ये मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। मुझे ये ढूंढने क्या है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं, ठीक है? क्या ढूंढना है मुझे? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, हमको एम फाइंड करना है। लेट्स टू फाइंड एम। चेक करते हैं आप ध्यान देना। सबसे पहले आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पे। मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या उस पर आप पहले, so we can say that the equation of plane is क्या है? equation of plane 2x plus 6y minus 3z is equal to 63। ये मेरा equation of plane है, 2x plus 6y minus 3z is equal to 63।
ठीक है, इसको पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सम पे ध्यान देना, थोड़ा अलग टाइप का सम है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने को, जब तक पूरा एंड नहीं हो जाता तब तक कंक्लूजन मत निकालना कि समझा कि नहीं समझा, पूरा सम होने दो। ठीक है, क्या करने वाले इसको हम लोग, डिवाइडिंग इसको हम लोग यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो यूनिट वेक्टर में किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं हम लोग, याद होगा आपको। ए बार को अगर ए कैप बनाना है तो उसको मॉड ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग बाय क्या आएगा, मॉड ऑफ ए कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 स्क्वायर। हाँ, डिवाइडिंग बाय थ्रू आउट बाय दिस, जिससे थ्रू आउट डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 4 + 36 + 9, कितना आएगा ये अंडर रूट ऑफ 7। तो डिवाइडिंग बाय 7, रिलेशन को थ्रू आउट 7 से डिवाइड किया, व्हाट वी गॉट, वी गॉट 2/7x + 6/7y -3/7z = 9। ये मिलेगा हम लोग को, ये कौन है, दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, दिस इज व्हाट नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, क्या होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p, समझा, r कौन है, x y z r है, n कैप देखो यूनिट वेक्टर आया, n कैप क्या होगा 2/7, 6/7, 3/7, -3/7, आपको मैंने बताया था यूनिट वेक्टर के i j k के कोएफिशिएंट्स हमेशा डायरेक्शन कोसाइन मिलता है, और p क्या है यहां पे, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, p कितना है मेरे पास यहां पे, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, p कितना है मेरे पास, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, यहां पे मैं डायरेक्शन कोसाइन भी लिख सकता हूं, we can say that the direction cosine, shortcut mein likh raha hu, the direction cosines of perpendicular, the direction cosines of perpendicular drawn from origin, drawn from origin, the direction cosines of perpendicular drawn from origin to the plane, to the plane are, kya direction cosine, unit vector ke I, j, k ke coefficient ko hum log direction cosine bolte hain। So the direction cosines of perpendicular drawn from origin to the plane are, क्या रहेगा ये, 2/7, then 6/7 and then -3/7, ठीक है? क्या मिला मेरे को ये, the direction cosines of perpendicular drawn from origin to the plane are 2/7, 6/7, -3/7, so therefore L कितना मिलेगा यहाँ पे, L मिलेगा मेरे को 2/7, ठीक है, L होता है, L एम एन मेरा डायरेक्शन कोसाइन होता है, तो L मिलेगा 2/7, M मिलेगा 6/7 और N कितना मिलेगा, N मिलेगा -3/7। क्लियर है, क्या क्या मिल गया मुझे यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे ऑल्सो वी गॉट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ऑल्सो वी गॉट P कितना मिलेगा, P मिलेगा यहाँ पे 9। सो L मिला 2/7, M मिला 6/7, N मिला -3/7 और P कितना मिल गया मुझे 9। इसका फॉर्मूला क्या है, इसके फॉर्मूला पे आते हैं अभी, the coordinates of the foot of the perpendicular क्या होता है, formula क्या है इसका, the coordinates of foot of perpendicular, the coordinates of foot of the perpendicular from origin to the plane, from origin to the plane are, formula देखो, इसका फॉर्मूला है प्लस और माइनस एल पी कमा प्लस और माइनस एम पी कमा प्लस और माइनस एन पी, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना आएगा इसका आंसर, प्लस और माइनस एल कितना है मेरे पास, एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 2/7 है, तो 2/7 इंटू पी, पी कितना मेरे पास 9, प्लस और माइनस एम पी, एम कितना मेरा 6/7 इंटू पी, पी मेरा 9 है, प्लस और माइनस एन पी, एन पी कितना मेरा -3/7 × 9, सॉल्व कैसे कितना आएगा आंसर, प्लस और माइनस 18/7 प्लस और माइनस 54/7 और माइनस प्लस कितना 27/7, तो ये हो जाएगा मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, कितना आएगा आंसर, समझा, 18/7, 54/7, 27/7, -27/7, तो हम लोग दो पॉइंट लिख सकते हैं, या तो ऊपर का या तो नीचे का, प्लस प्लस माइनस या तो माइनस माइनस प्लस, कितने को नहीं समझ में आए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन आर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन आर प्लस और माइनस एल पी प्लस और माइनस एम पी प्लस और माइनस एन पी, क्लियर है ये, द
The coordinates of foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane are. इस प्लेन पे पॉइंट चाहिए था ना, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, प्लस और माइनस एल पी प्लस और माइनस एम पी प्लस और माइनस एम पी. एग्री एवरीवन? समझा कि नहीं समझा, कंफर्म करो. समझा समझा सर. क्या आपका वो लाइन वाला ही फॉर्मूला है? ये लाइन वाला ही फॉर्मूला है, प्लस और माइनस एल डी प्लस और माइनस एम डी प्लस और माइनस एन डी. ये फॉर्मूला लाइन में था, बस डी के जगह पे क्या आ रहा है, पी आ रहा है. वहां पे डी क्या था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन. यहाँ पे पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये फॉर्मूला अगर अच्छे से याद रहेगा तो काम हो जाएगा. आई होप कि सबको समझ में आया. यहाँ पे तो मेरे को क्या दिया था, प्लेन दिया था, प्लेन का डायरेक्शन, प्लेन से मेरे को डायरेक्शन रेशियो मिलेगा. डायरेक्शन रेशियो कितना है इसका, 2 6 माइनस 3. डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन बनाना है तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है. तो उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 7. तो जैसे ही 7 से डिवाइड किया क्या मिलेगा, 2/7 एक्स बार 2/7 एक्स प्लस 6/7 वाई माइनस 3/7 जेड इज इक्वल टू 9. ये बन गया मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या था, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी. एन कैप एक्स वाई जेड आर बार में चला गया. एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल. यूनिट वेक्टर से हमेशा डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा. डायरेक्शन कोसाइन को आपके 2/7 6/7 माइनस 3/7 2/7 6/7 माइनस 3/7 2/7 6/7 माइनस 3/7. ये क्या मिला, ये डायरेक्शन कोसाइन है. द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना आएगा, 2/7 6/7 माइनस 3/7. इसको बोल दिया एल, इसको बोल दिया एम, इसको बोल दिया एन. डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन कितना होता है, पी. पी के पे कौन बैठा, 9. तो पी कितना मिलेगा, 9. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन ये ढूंढना था हमें. तो क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, प्लस और माइनस एल पी प्लस और माइनस एन पी प्लस और माइनस एन पी. ना आपका क्वेश्चन आया सर, ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया, आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा सर, ये फॉर्मूला आया कैसे. तो जिन्होंने भी लाइन चैप्टर किया उनको याद रहेगा, एक फॉर्मूला था एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू अपॉन एल इज इक्वल टू लैम्डा. ठीक है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू प्लस और माइनस एल डी, ये फॉर्मूला था आपका. ठीक है, सेम वे y2 माइनस y1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस एम डी और z2 माइनस z1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस एम डी, ये फॉर्मूला था. अब आपको पता है ओरिजिन से प्लॉट किया है तो x1 y1 z1 क्या है, जीरो है. तो कितना आएगा x2, फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस और माइनस एल डी y1 प्लस और माइनस एम डी z1 प्लस और माइनस एन डी. बट x1 y1 z1 जीरो है तो x2 कितना आएगा, प्लस और माइनस एल डी. सेम वे y2 कितना आएगा, y2 आएगा प्लस और माइनस एम डी और z2 कितना आएगा, प्लस और माइनस एन डी. डी के लिए कौन आएगा भाई, डी के लिए पे पी आएगा क्योंकि डिस्टेंस के लिए क्या आएगा, प्लेन का डिस्टेंस. तो क्या आएगा, तो x2 y2 z2 निकालते थे तो x2 y2 z2 कितना आएगा मेरे पास, प्लस और माइनस एल पी प्लस और माइनस एम पी और तीसरा प्लस और माइनस एन डी. ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन. समझ में आएगा, ये फॉर्मूला समझ में आया. Yes, आपको याद होगा अच्छे से, लाइन चैप्टर में 3D ज्योमेट्री में किया था ये सब. x2 minus x1 equal to plus or minus ld, y2 minus y1 equal to plus or minus md, z2 minus z1 equal to plus or minus nd. जो रूट रहता है ना रूट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, d बोलते हैं. ठीक है, बोलो क्लियर है, ये समझ में आया, एवरी वन अंडरस्टूड? यस सर. ठीक है, तो ये फॉर्मुला याद रखना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, D के जगह पे आएगा P, क्योंकि प्लेन का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, P. और एलिमेंट क्या है इसका, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर. सो 2 6, देखो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पढ़ लेते हैं. 2 6 माइनस 3, ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है. डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन बनाना है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड. तो 2/7 6/7 माइनस 3/7 कौन है, डायरेक्शन कोसाइंस है. एलिमेंट मिल गया, पी मिल गया, फॉर्मूला क्या है, the coordinates of foot of perpendicular from origin to the plane are plus or minus lp plus or minus np plus or minus np and put the value you will get the answer. I hope ki aapko samajh mein aayega third sum. Dekh lo acche se, confirm karo third sum samjha sakte ho, aaya na everyone? Ek bar exercise dekh ke lo, sabko samjha third sum, everyone understood? Let us move to some new questions. Kuch naye questions dekhte hain jo aap log ko try karna hai. Sirf ye dekhna hai mujhe ki aapko kitne acche se concept samajh mein aa raha hai. Theek hai, एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लो पूरा एक्सरसाइज.
क्लास क्लियर है, इतना समझ में आया? चलिए मूव करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया मेरा, कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे दे रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, आपको ट्राई करना है ये चेक करने के लिए कितना अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। एमसीक्यूज फॉर्मेट प्लेन चैप्टर का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ये देखने के लिए कर रहे हैं हम लोग। मिसलिनियस का आज फटाफट, मिसलिनियस 6B, मिसलिनियस 6B। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से मैं कराता हूँ ध्यान में। मिसलिनियस 6B का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये आज के लेक्चर में होने के बाद अगर टाइम रहेगा तो ये पूरे एमसीक्यूज कवर कर लो। अगर आपको एमसीक्यूज अच्छे सॉल्व करने आ रहा है, दैट मींस आपको कहीं ना कहीं चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। एमसीक्यूज अच्छे सॉल्व करने आ रहा है मतलब चैप्टर का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है। ठीक है, तो 6B का पहला क्वेश्चन क्या है? आपको बोला है कि जो लाइन है, ठीक है, लाइन दिया हम लोग को x/3, द लाइन x/3 y/4 is equal to z, z के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 डालेंगे। ये परपेंडिकुलर है किसको? ये लाइन परपेंडिकुलर है दूसरे लाइन को। दूसरा लाइन कौन है? x-1/k is equal to y+2/3 is equal to z-3/k-1। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका डायरेक्शन रेशियो मतलब इसका पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना, इसका पैरेलल वेक्टर, इसका पैरेलल वेक्टर, ये भी तो परपेंडिकुलर होंगे। फिर अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, ये भी तो परपेंडिकुलर होंगे, आया ना? ठीक है, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका डायरेक्शन, इसका जो पैरेलल वेक्टर कौन है? बी बार, इसको हम लोग बी वन बोल देते हैं। बी वन कितना आएगा? 3, 4, 1, कितना आएगा? 3i+4j+k, ये हो गया मेरा बी वन बार। और बी टू कितना हो जाएगा मेरे पास? बी टू हो जाएगा मेरे पास k i+3j+k-1k। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। v1.v2=0। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, वी ऑल नो दैट। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो v1.v2=0 होगा, तो कितना आएगा ये? 3 × k 3k, 4 × 3 12, 1 × k-1 is k-1 which is equal to 0। तो कितना आ गया आंसर? 3k, 4k-+11=0। सो k का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास? -11/4। सो k का वैल्यू कितना आ रहा है? -11/4। नहीं समझा भाई? क्लियर है सम? अंडरस्टूड? सो यस सर, दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों के पैरेलल वेक्टर्स भी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों का पैरेलल वेक्टर भी आपस में क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब दोनों के पैरेलल वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, सो b1.b2=0। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। एंड डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? a1a2+b1b2+c1c2=0। ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग को स्केलर्स एंड वेक्टर्स फिजिक्स में कराया गया था 11th में। जिनको अच्छे से वो कॉन्सेप्ट याद है उनके लिए सब इजी है। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, हटा रहा हूँ। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है लाइन एंड प्लेन का, तो आप एमसीक्यूज अच्छे से कवर कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन आपको सीईटी में मिलेंगे। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। आपको एक प्लेन दिया है और उसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है। प्लेन क्या दिया है? 2x-1=, ध्यान देना अच्छे से, 2x-1=3y
प्लस टू इज इक्वल टू जेड माइनस टू। आपको क्या चाहिए, आपको ये कार्टेशियन इक्वेशन है इसका वेक्टर इक्वेशन बताना है, कार्टेशियन इक्वेशन का वेक्टर इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को कार्टेशियन इक्वेशन अच्छे से पता होना चाहिए। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये मेरा कार्टेशियन इक्वेशन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस किया, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट हमेशा वन 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 रहेगा, वन वन वन, तो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, वन वन वन। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैंने टू कॉमन निकाला था कितना बचेगा, एक्स माइनस हाफ, क्योंकि एक्स वाई जेड को अकेला बनाना है, कोएफिशिएंट वन ही रहना चाहिए उसका। यहाँ पे थ्री को कॉमन निकाला कितना बचेगा, वाई प्लस टू बाय थ्री। यहाँ पे जेड ऑलरेडी क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में था, जेड माइनस टू रहेगा। अब ये टू कितना रहेगा गाइस, ये हो जाएगा मेरा एक्स माइनस हाफ, ये टू जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, वाई प्लस टू बाई थ्री, ये डिनोमिनेटर में कितना आएगा, ये वन बाय थ्री हो जाएगा, और ये कितना आएगा, जेड माइनस टू बाय वन आ गया इस फॉर्म में। तो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है आपका प्लेन, आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपका एक्स वन कितना है हाफ, वाई वन कितना है माइनस टू बाय थ्री, और जेड वन कितना है, जेड वन टू है, पॉइंट ये रहेगा। और डायरेक्शन रेशो कितना है, डायरेक्शन रेशो एबीसी कितना है, वन बाय टू, वन बाय थ्री और वन। ऑप्शन देखो, डायरेक्शन रेशो के लोग सिंप्लीफाई किया है, तो डायरेक्शन रेशो को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वन बाय टू, वन बाय थ्री और वन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडिंग थ्रू बाय सिक्स। जैसे सिक्स से डिवाइड किया इसको एलसीएम लेना है, टू थ्री वन का एलसीएम क्या होगा, टू थ्री वन का एलसीएम सिक्स होगा, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा सिक्स। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, करोड़ ऑफ डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नंबर्स होते हैं। सो हाफ वन बाय थ्री और वन को मैंने क्या किया, हाफ वन बाय थ्री और वन, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, पैरेलल वेक्टर का कोएफिशिएंट। सो हाफ वन बाय थ्री, वन को मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लाइंग थ्रू बाय सिक्स करके। ये पॉइंट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट फिक्स होता है, पॉइंट फिक्स होता है। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, लाइन होता है, लाइन इन्फिनिट है ना, कितना भी दूर जा सकता है वो। तो हाफ माइनस हाफ वन बाय थ्री वन इज नथिंग बट इज सेम एज थ्री टू सिक्स, क्या होगा, थ्री टू सिक्स। सो बी बार कितना आ गया मेरे पास, बी बार आ गया मेरे पास थ्री कॉमा टू कॉमा सिक्स, और पॉइंट आ गया हाफ माइनस थ्री और टू। तो आपको पता है कि ये पॉइंट है और ये क्या है, ये पैरेलल वेक्टर है। और हमको पता है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार एंड पैरेलल टू बी बार, क्या फॉर्मूला था इसका, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्डा बी बार। ये इसका प्लेन का, ये इसका लाइन का इक्वेशन था, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्डा बी बार। सो आर बार इज इक्वल टू ए बार कितना आएगा, ए बार हो जाएगा हाफ आई कैप माइनस टू बाय थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, ये होगा मेरा ए बार प्लस लैम्ब्डा बी बार। बी बार कितना आएगा मेरा, बी बार आएगा थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप। दिस इज आंसर, बोलो क्लियर है, समझा गया, अच्छे से कंफर्म करके बताओ, आया ना? यस सर, ठीक है। तो हम लोग को कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया था, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन से हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बनाया। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन से क्या बनाया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बनाया, ठीक है, क्लियर है, बोलो समझा, एवरीवन अंडरस्टूड। अब अगला सम लास्ट सम रहेगा, जो आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है, कोशिश करना कि समझ में आए। अगला सम लास्ट सम रहेगा, जो आप लोग अच्छे से ट्राई करोगे, सुन लो, सम नंबर थर्ड। हमको निकालना है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। कौन सा लाइन है वो, पहला लाइन है एक्स माइनस सेवन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई प्लस सेवनटीन अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस सिक्स अपॉन वन, ये पहला लाइन है। एंड दूसरा लाइन क्या रहेगा, एक्स प्लस फाइव अपॉन वन इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू जेड माइनस सिक्स अपॉन माइनस टू,
चलो क्या निकालना है देखो, ये लाइन वन है ये लाइन टू है ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइंस, ये ए बार ये बी बार, इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन रहेगा, ए क्रॉस बी। बस दिमाग चलाओ आंसर निकालो, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स, वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताओ जो इसको और इसको परपेंडिकुलर है, वो लाइन्स का डायरेक्शन रेशियो बताओ जो इसको और इसको क्या है परपेंडिकुलर है। हमको पता है कि इसको और इसको परपेंडिकुलर जो रहेगा वो कौन रहेगा, ए क्रॉस बी रहेगा, तो हम लोग को ए क्रॉस बी निकालना है अल्टीमेटली। इट मींस द आंसर फॉर थर्ड वन, यू विल ट्राई, कोशिश करो आंसर निकालने का। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स, लाइन वन और लाइन टू को जो परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशियो निकालो। तो लाइन वन और लाइन टू को जो परपेंडिकुलर है वो कौन रहेगा, अगर लाइन वन ए बार है और लाइन टू बी बार है तो ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर कौन रहेगा, ए क्रॉस बी। डन सर, हो गया इतना जल्दी? यस सर डन। एक मिनट देते बाकी लोगों को, एक मिनट टाइम देते हैं, चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं, ध्यान देना है। तुम्हें को इतना पता है कि ये जो लाइन वन है इसका पॉइंट क्या है, 7 - 17 = 6, इसका पैरेलल वेक्टर कितना है, 2 - 3 - 1, इसका पैरेलल वेक्टर है। लाइन टू का पैरेलल वेक्टर कौन है, 1 - 2 - 2, और इन दोनों को जो परपेंडिकुलर रहेगा वो कौन रहेगा, अगर इसको मैंने बी वन बोल दिया और इसको मैंने बी टू बोल दिया तो इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन रहेगा, बी वन क्रॉस बी टू, ठीक है ना। ये लाइन वन का पैरेलल वेक्टर, ये लाइन टू का पैरेलल वेक्टर, इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन है, बी वन क्रॉस बी टू। पहले यहाँ पे बी वन वेक्टर कितना होगा बताओ, बी वन वेक्टर होगा 2i - 3j + k, ये हो गया मेरा बी वन वेक्टर। बी टू वेक्टर कितना होगा, यहाँ पे बी टू वेक्टर होगा 1 - 2 - 2, तो i - 2j - 2k, ठीक है। बी वन बी टू दोनों रेडी है, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं द वेक्टर परपेंडिकुलर बी वन एंड बी टू, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वन बार एंड बी टू बार, बी वन बार और बी टू बार का जो परपेंडिकुलर है कौन है, वो है बी वन क्रॉस बी टू, ठीक है। तो बी वन क्रॉस बी टू कैसे निकालेंगे हम लोग, वी ऑल नो दैट बी वन क्रॉस बी टू निकालने के लिए हम लोग को क्रॉस प्रोड्यूस करना होगा, आई का जे का के का, कितना है b1 मेरे पास 2 - 3 - 1, और b2 कितना है मेरे पास 1 - 2 - 2, सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा, 6 - 2 कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद -4 - 1 - 5 आएगा, -5 से क्या क्लियर है मैं, और अगला कितना आएगा -2 - 2 - 2 - 1, डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा, 4 - 5 - 7, कंफर्म करो समझ में आया, एवरीवन अंडरस्टूड? यस, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बोलो क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया सम? जी आप अच्छे से इसके एमसीक्यूज कवर करो, अगर एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने आ रहा है मतलब आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। आई होप कि मैं समझा पाया सम अच्छे से, सबको क्लियर है, प्लीज कंफर्म एवरीवन गॉट इट? यस, ठीक है। तो है क्या लाइन एंड प्लेन चैप्टर में, एक बार छोटा सा रिवीजन करता हूं, वाइंड अप करता हूं।
लाइन और प्लेन चैप्टर में है क्या अल्टीमेटली पढ़ना क्या है? लाइन चैप्टर में 6.1 एक्सरसाइज में क्या था? 6.1 एक्सरसाइज में दो वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन वन और ये वेक्टर इक्वेशन टू। वेक्टर इक्वेशन वन क्या बोलता है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार एंड पैरेलल टू बी बार, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्डा बी बार। इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? इसका कार्टेशियन इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, उसके बाद आया वेक्टर इक्वेशन टाइप टू। वेक्टर इक्वेशन टाइप टू क्या था? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्डा बी बार क्रॉस सी बार। ठीक है ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ना, तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्डा। पैरेलल वेक्टर क्या रहेगा यहाँ पे? पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, तो ए बी एंड आर, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्डा बी बार माइनस ए बार। ठीक है, ये हो गया मेरा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। इसका पार्टिशन इक्वेशन क्या रहेगा? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। ठीक है, ये था आपका इक्वेशन 6.1। 6.2 में आपने क्या पढ़ा? एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन टू लाइंस cos theta, एंगल बिटवीन टू लाइंस, देन उसके बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन, उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद क्या पढ़ा था? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लो क्लियर है ये? फिर 6.3 हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, जो चार टाइप के प्लेन्स थे, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, इक्वेशन। पहला क्या था? आर बार डॉट एन बार, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। R bar dot n bar is equal to a bar dot n bar, equation of plane passing through point n bar, passing through point a bar and perpendicular to n bar. तीसरा R bar dot b cross c is equal to a bar dot b cross c, equation of plane passing through point a bar and parallel to b bar and c bar. और चौथा non collinear points, R bar dot a b cross a c is equal to a bar dot a b cross a c. ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर 6.1, 6.2, 6.3। इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं कुछ, इतने फॉर्मुलास पढ़ लो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझाए क्या? बोलो हाँ है ना, कंफर्म है? ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार, मैंने ऑनलाइन में सिखाया है, तो आप लोगों को कितना अच्छे से समझ में आया वो आपको हर एक सम कितने अच्छे से समझा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कि क्लियर है सबको, प्लीज कंफर्म इट, समझ में आया चैप्टर, कंप्लीट हुआ मेरा प्लेन चैप्टर, एवरीवन गॉट इट, अंडरस्टूड, प्लीज कंफर्म एवरीवन। ठीक है, प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। हम लोग इसका एंट्रेंस क्वेश्चंस भी आगे करेंगे, कोशिश करेंगे उसका। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, मेरे ख्याल से हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया, जो हमारा ये लास्ट टॉपिक पेंडिंग था। ठीक है, मिलेंगे आगे विद सम डाउट सॉल्विंग एंड ऑल, प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।